14.5 श्रव्यता परास हियरिंग रेंज। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला श्रव्य ध्वनि, दूसरा अवश्रव्य ध्वनि, तीसरा पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि ऑडिबल साउंड। हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परास अर्थात जिसे हम सुन सकते हैं लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। अवश्रव्य ध्वनि इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि इंफ्रासाउंड कहते हैं। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर की तरंगें, रासायनिक तथा नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ध्वनियां आदि। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लुलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी भौरे के पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि अल्ट्रासाउंड। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डॉल्फिन चमगादड़ जैसे कुछ जंतुओं के द्वारा पराध्वनि उत्पन्न की जाती है। शलभों या कीट पतंगों मॉथ्स के श्रवण इंद्रियां अत्यंत सुग्राही होती हैं। ये चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं।